योर होस्ट अलका एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट राइन न्यूज. और नेक्स्ट राइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो बॉलीवुड डेली गॉसिप. बॉलीवुड डेली गॉसिप में हम बात करते हैं बी टाउन की चटपटी सी गॉसिप के बारे में कि आखिरकार गलियारों में क्या चल रहा है, बी टाउन में कौन सी खबरों ने मचाया हलचल, तो कौन बना टॉप ऑफ द न्यूज. मैं बता दें कि हाल फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन बनी है टॉप ऑफ द न्यूज, वो और सिर्फ अपने फिल्म फने खान को लेकर. जी हाँ, जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या की फिल्म फने खान को लेकर चर्चाएं थी कि वो फिल्म में एक रॉक स्टार का किरदार निभा रही हैं, लेकिन फिल्म को कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले, लेकिन ऐश्वर्या लगातार बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रही हैं और उस इंटरव्यू से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो यकीनन उनके फैंस को कर सकती हैं हैरान. ऐश्वर्या ने कही हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको कर देगी शॉक्ड कि भाई बच्चन बहू ये क्या बोल गई. तो वेल बता दें कि बच्चन बहू जो बोल गई हैं वो बोली हैं दरअसल शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस के बारे में. जी हाँ, इनडायरेक्टली उनके बारे में बच्चन बहू ने शाहरुख के ऊपर निशाना साधा, और वो कैसे उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारे इस रिपोर्ट में. बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन जिनकी फिल्म फन्ने खान रिलीज हो चुकी है. वेल आप सभी को बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म फन्ने खान का सबको काफी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस फिल्म को कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले. जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. ऐश्वर्या फिल्म में एक पॉप स्टार का रोल प्ले कर रही हैं. आपको बता दें कि ऐश्वर्या के अलावा फिल्म में अनिल कपूर और राजकुमार राव लीड रोल्स में हैं. बता दें कि फिल्म को अभी महज कुछ ही समय हुआ है रिलीज हुए और ऐश्वर्या अभी भी लगातार फिल्म फन्ने खान का प्रमोशन करती हुई नजर आ रही हैं, जहां प्रमोशन के दौरान ऐश्वर्या से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं. वेल आप सभी को बता दें ऐश्वर्या से एक के बाद एक सवाल किए जा रहे हैं उनकी फिल्मी करियर से रिलेटेड. वहीं कुछ ऐसे सवाल किए गए हैं जहां ऐश्वर्या ने किए हैं चौंकाने वाले खुलासे जो यकीनन आप सभी को हैरान कर सकते हैं. जी हाँ, आपको बता दें कि जब ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फिल्म फन्ने खान को प्रमोट कर रही थी तो खबरों की माने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन से एक सवाल किया गया और सवाल कुछ इस तरह से था कि आखिरकार वो शाहरुख के साथ स्क्रीन कब शेयर करेंगी, कब वो शाहरुख के साथ काम करेंगी, कब वो शाहरुख के साथ फिल्म में नजर आएंगी. तो लीजिए, ऐश्वर्या राय ने शाहरुख पर निशाना साधते हुए कहा, मैं शाहरुख खान के साथ अब काम करूंगी, ये तो शाहरुख से ही पूछिए. जी हाँ, यहाँ पर ऐश्वर्या राय के कह सकते हैं कि कुछ इनडायरेक्टली वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी. वेल आप बता दें जहाँ उन्होंने ये बोला कि आप मैं शाहरुख के साथ काम कब करूंगी, ये आप शाहरुख से पूछिए. और इसके साथ ही साथ ऐश्वर्या राय ने जो आगे कहा वो कुछ इस तरह से था कि कई स्टार्स होते हैं जो फिल्म की कास्टिंग भी खुद ही संभालते हैं. जी हाँ, यहाँ ऐश्वर्या राय बच्चन का कहने का मतलब ये था कि जो फिल्म सितारे होते हैं कुछ वो कास्टिंग डायरेक्टर का काम भी खुद ही कर लेते हैं, तो कास्टिंग भी वो खुद ही देखते हैं. तो इस पर ऐश्वर्या ने कहा कि आप उन्हीं से पूछिए वो मुझे अपनी फिल्म के लिए कब चुनेंगे. वेल लीजिए, यहाँ पर जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बोला वो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन निशाना साधती हुई नजर आई शाहरुख खान पर. क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि वो शाहरुख खान के साथ कब स्क्रीन शेयर करेंगी, कब वो नजर आएंगी शाहरुख खान के साथ फिल्म में, क्योंकि फैंस की भी ये काफी दिली तमन्ना है कि ऐश्वर्या शाहरुख एक साथ फिल्म में नजर आए, कब उनकी जोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ऐश और शाहरुख की जो जोड़ी है वो कब देखने को मिलती है. लेकिन यहाँ पर तो देखिए जरा जनाब, ऐश्वर्या ने कुछ और ही बात कह दी जो कि काफी चौंका देने वाली थी, कि जहाँ वो कहती हुई नजर आई कि आप उनसे पूछिए, क्योंकि कुछ सितारे जो होते हैं वो फिल्म की कास्टिंग भी खुद ही संभालते हैं. वेल ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन की इस बात का क्या मतलब निकाला जाए ये तो कह नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना जरूर साध दिया है. वेल आप सभी को बता दें कि इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या से बहुत सारे सवाल किए गए और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया ऐश्वर्या राय बच्चन से कि फिल्म जोश में शाहरुख खान की बहन का रोल प्ले करने के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है.
ऐश्वर्या ने बताया कि शाहरुख से पहले इस फिल्म में सलमान को लिया जाना था, लेकिन उन्होंने फिल्म मना कर दी। उन्होंने कहा पहले फिल्म के लिए आमिर खान और सलमान खान को अप्रोच किया गया, लेकिन फिर बाद में शाहरुख खान को ले लिया। आमिर खान को चंद्रचूड़ सिंह का रोल मिलने वाला था। जब पूरी कास्ट बदल दी गई तो मैंने भी फिल्म की हाँ कर दी। ये फिल्म साल 2000 में आई थी। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर ये सवाल जो उनसे पूछा गया, पहले उन्होंने फिल्म जोश के लिए बताया, जब आमिर खान का उन्होंने नाम लिया तब उन्होंने चंद्रचूड़ फिल्म का नाम लिया। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐश्वर्या काफी सारे खुलासे कर रही हैं जो कि काफी चौंका देने वाले हैं। वही हर कोई ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खान का जो है एक तरफ बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म में नजर आए, कब ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म रिलीज हो। लेकिन देखिए जरा, फिल्म भी रिलीज हो चुकी है लेकिन फिल्म को कुछ ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि जहां एक तरफ ऐश्वर्या और शाहरुख की जोड़ी देखने को सब बेताब हैं, तो वहीं ऐश्वर्या राय ने इस तरह से जवाब दे दिया है, तो देखना होगा कि ऐश्वर्या और शाहरुख कब एक साथ नजर आते हैं फिल्म में, क्योंकि फैंस की ये काफी लंबे समय से दिली तमन्ना है कि ऐश्वर्या और शाहरुख भाई जो हैं जरा स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए, क्योंकि फैंस के फेवरेट कपल्स में से भी एक है ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान, जहां फिल्म मोहब्बतें में दोनों एक साथ नजर आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि इसके अलावा वो दोनों ही नजर आए थे फिल्म जोश में, जहां जोश में ऐश्वर्या और शाहरुख नजर आए थे भाई बहन के तौर पर। अब देखना होगा कि एज अ कपल ये फिल्म में कब नजर आते हैं और वो कौन सी फिल्म होगी जो कि जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको बता देंगे, यहाँ बात हुई शाहरुख खान की, तो दूसरी तरफ आपको ले चले पति यानी कि ऐश्वर्या के हबी जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म गुलाब जामुन साइन कर ली है। जी हाँ, गुलाब जामुन पर बता दें कि काफी लंबे समय से इस फिल्म चाहिए थी कि आखिरकार ऐश्वर्या अभिषेक फिल्म में कब नजर आएंगे, कौन सी फिल्म होगी, वो स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर रहे साथ में, क्या उसकी वजह किसी का बनता बिगड़ता करियर है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे ऐश्वर्या और अभिषेक फिल्म को साथ लेकर। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या अभिषेक ने क्या बोलते हैं, लगता है सबके मुंह पे जो बातें थी अब उनको चुप रहने को कह दिया है, क्योंकि देखिए अब इन दोनों की जो फिल्म है उसका खुलासा हो चुका है और ये फैंस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभिषेक और ऐश्वर्या जो कि काफी लंबे समय के बाद नजर आएंगे फिल्म स्क्रीन शेयर करते हुए, जो वाकई फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखा आप सभी ने कि किस तरह शाहरुख के बारे में ऐश्वर्या राय बच्चन बोलती भी नजर आई जब उनसे पूछा गया कि भाई अब शाहरुख के साथ स्क्रीन कब शेयर करेंगी, कब आप सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी शाहरुख के साथ, क्योंकि काफी समय से फैंस भी ये डिमांड कर रहे हैं कि शाहरुख और ऐश्वर्या की जोड़ी ऑन स्क्रीन देखने के लिए। जो फिल्म मोहब्बतें में दिखी थी, फिल्म देवदास में दिखी थी, हालांकि जोश की बात करें तो जोश में वो भाई बहन के किरदार में नजर आए थे, लेकिन इन सब से हटकर ऐश्वर्या का जवाब बड़ा ही अनोखा रहा कि आप शाहरुख से ही पूछ लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली कि कुछ स्टार्स होते हैं वो अपने फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो खुद ही बन जाते हैं, कास्टिंग का जिम्मा अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि मैं उनके साथ कब नजर आने वाली हूँ। वेल, ऐश्वर्या का ये जवाब खड़े कर सकता है काफी सारे बवाल। जी हाँ, अब देखना होगा कि ऐश्वर्या के इस जवाब के बाद शाहरुख खान का क्या रिएक्शन आता है। जब शाहरुख खान से ये बात पूछी जाएगी कि ऐश्वर्या के साथ उनको कास्ट करने को लेकर ऐश्वर्या ने कही है कुछ ऐसी बातें, तो शाहरुख का रिएक्शन वाकई काफी ज्यादा इंतजार करने वाला है कि आखिरकार वो कहते क्या है। वेल, आपको क्या लगता है ऐश्वर्या के इस रिएक्शन पर जो उन्होंने शाहरुख खान को लेकर दिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।